क्या समस्या है? ये हत्या करने से आए हैं और अपने क्या आई टाइम पर हमारे क्या वारदात होती है, हमारे आई टाइम परेशान करते हैं हमारे को, तो गुंडे आते हैं वहाँ धमकी देते हैं, भैया तुम्हारे लिए लेडीज को ऐसे फेंक देंगे, ये कर देंगे। पहले भी हमने सुना दी थी और वो छोरी ने आए टाइम पर हमारी झूठी रिपोर्ट कर दे दी हमारे नाम से। कौन महिला है और कौन लोग है जो मारपीट कर रहे हैं? वो मुस्लिम समाज के है, हमने वो चार इसके नंबर चार में रहते हैं। हमको बोलते हैं ऐसा गलत काम क्यों करती है, तो वो लोंडे बुलवा के हमारे को पिटवा दी। पहले शिकायत करी थाने पे? पहले करी थी शिकायत, जो हमने जाके हमारी रिपोर्ट लिखी है उसी रिपोर्ट लिख ली है, कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। क्या चाह रहे होगा? कहीं नहीं चाह रहे, उसका घर खाली कराना चाह रहे हैं। हम तो लेडी चाहिए नहीं हमारे बोलने में, और ये बस गुंडागर्दी का खत्म होगा। अभी एक दो दिन पहले भी हुई क्या हमारे? हाँ हुई ना, उससे पहले दो महीने पहले हुई, उसके बाद तीन चार आए टाइम पर होती है हमारे को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप दुर्गज है। आए हैं और यहाँ पे आके हमारी शिकायत करने आए हैं, और हमारे मोहल्ले में आए दिन परेशानी आ रही है एक महिला के वजह से, बुला के हमारे को पिटवाती है, तलवारें और चप्पू लेके आते हैं। हम सब बच्चे आदिवासी समाज सारे बच्चे और छोटे छोटे हम खेलते हैं, और भाटे ईटे और तलवार लेके आते हैं। हम ऐसे हालत में हम कहाँ जाएँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे, और मेरे को मारा या हाथ में लग गया या आँख में लग गई, और ऐसी कब की घटना है ये? कब मारपीट हुई थी? ये दो महीने पहले भी हुई थी और अभी कल परसों भी हुई, रात को भी हुई। थाने पे शिकायत? शाम को थाने में गए थे सब जने शिकायत करने, वहाँ पे हमने आवेदन दिया, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, और मैं मेडिकल रिपोर्ट में। कहाँ रहती है ये? वही एकता कॉलोनी में रहती है। अभी इसकी माँ मर गई थी जब, तो भग गई थी यहाँ से, यहाँ थी ही नहीं, और उसके बाद वापस आ गई है। आप क्या चाहते हो? और वापस हमारे से लड़ना। आप लोग क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि वो यहाँ रहे ही नहीं, गंदगी साफ हो, उसकी मम्मी का यहाँ रहे ही नहीं, और उसके भाई रह सकते हैं, वो नहीं रह सकती, उसके यार दोस्ती कर रखी तो उसके भाई करे, यहाँ हमारे मोहल्ले में नहीं। क्या नाम है आपका? सोनू।